जमात हमारी गई सवात सवात, तो कुछ दिन तो वो गर्म जगह उन्होंने भेजा मंगोला और कुछ दिन फिर वो ऊपर काला, तो अच्छा वो गुजर गया 13-14 साथी के मर्श कलाम के लोग नेक हैं, ज्ञानदार हैं, आड़ू बेचते हैं, आड़ू उगाते हैं, आड़ू वहाँ बहुत है आजकल, तो अच्छे लोग हैं। वो जिस जमात जिस मस्जिद में भी हमारी जमात गई वहीं से जमात निकलती थी नकद नकद से रोज़ा, और 4 महीने के इरादे करते थे कि भी हम दिसंबर में जाएंगे लाइब्रेरी की जमात। आजकल हम ही जा सकते हैं, हमें गर्मी बहुत लगती है, तो ये गर्म इलाके है उनका ज़रा ठंड है, तो लेकिन सारे इरादा कर लेते हैं कि हम सब निकलेंगे अल्लाह के रास्ते। तो नेकी वहाँ है, नेक लोग हैं, और सड़कें बन रही हैं, होटल बन रहे हैं, कहीं बेहतर हो रहा है वहाँ का टूरिज्म कह रहे हैं, या काफ़ी बेहतर हो रहा है। वो खास वाक्य नहीं है, बस जमात की रूटीन के मुताबिक वक्त लगाना, अल्लाह का शुक्र है। एक साहब वहाँ मिले, मुफ्ती भी थे और इंजीनियर भी थे, और हजरत साहब के हमारे हजरत का खलीफा भी थे। वो मुझे कहने लगे कि मैंने यहाँ जगह खरीदी है, हसन उसका नाम था, इंजीनियर हसन साहब, तो खानकाह बनाने के लिए, कि खानकाह बनाएंगे जिक्र वालों के लिए, तो आप चलें। मैंने कहा चले चला जाता हूँ, तो खानकाह बना रहे हैं नेकी का काम, तो उन्होंने कुछ पहाड़ के ऊपर आखिर में जहाँ वो रास्ते ख़त्म हो जाते हैं वहाँ कुछ एक अनाज जगह हमने ली, तो अभी वो दीवार ही बना रहे थे, पत्थर तोड़ते थे साथ के पहाड़ से, और जो पत्थर टुकड़े टुकड़े लगा लगा कर दीवार, तो कहते हैं हम पैसे देते हैं पत्थरों के, तो वो माशाल्लाह इरादा तो उनका बड़ा बुलंद था कि हम यहाँ खानकाह बनाएंगे, मदरसा बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। अभी तो एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, तो मुझे कहने के बयान करके वहाँ है, मैंने मुख्तसर बयान कर दिया, एक बड़ी उजाड़ जगह, ना कोई दुकान, ना कोई रास्ता, ना कोई एक सड़क थी जो आगे खत्म हो जाती, लेकिन माशाल्लाह वहाँ भी कोई 15-20 वो साथियों के जमा हुए, इरादे तो उनके बड़े बड़े थे कि हम यहाँ खानकाह बनाएंगे। खानकाह कहते हैं ऐसी जगह मुहैया करना जहाँ अल्लाह वाले अपना आ जाएं और तमाम बखेड़ों से आज़ाद और सिर्फ जिक्र करें। पहले वक्त में ये बड़ी आम होती थी, आजकल बहुत कम है। हमारे हजरत साहब मदरज़िल्ला अली की जो खानकाह है अलमहद जंग में, तो हमारे कई दोस्त वहाँ गए कि जी हम वहाँ बैठ कर तो जिक्र करें, तो माशाल्लाह एक साल में 4 महीने वहाँ रहे, पूरे 4 महीने, उनको बाद में खिलाफत भी दे दी, तो एक साल में 40 दिन वहाँ ठहरे, तो हमें रशक आता था कि हम सभी ठहर सकते थे ना, लेकिन उम्र होती है बार, तो वो भी खानकाह है। यहाँ लाहौर में मुझे नहीं पता, शायद मौलाना इब्राहिम साहब के पास शायद भी है जगह, कि भाई अगर जिक्र वाला वहाँ आए और रहे तो उसको जगह मिल जाती है रहने की। जानवर वाली खानकाह में तो खाना भी मिलता था, तो वो तो बड़ी मुफीद जगह है, अगर कोई ऐसी नियत करे कि भाई मैं 1 महीना या 40 दिन या 4 महीने सिर्फ अल्लाह से लौ लगाऊंगा,
और जिक्र करता रहूँगा, तो ऐसी जगह हैं। एक तो बताया ना, आज़ा को सवाद में बन रही है, और एक हजरत साहब की है, शायद लाहौर में भी उनकी जगह, मौलाना इब्राहिम का बड़ा ख्याल है, उन्होंने भी जगह बनाई है। बहरहाल जी की एक मेहनत है, जिक्र की भी मेहनत है और भी मेहनतें हैं, लेकिन मेहनत ही अल्लाह ने हर शख्स को दी है। हर एक को जो अल्लाह ने ताकत दी है, वो मेहनत भी ताकत और कुव्वत है। तालिब इल्म है तो अपनी मेहनत करके करके वो पढ़ता है, इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो चीज कौन सी है? मेहनत, जो हर एक के पास। अब आगे फिर यह है कि मेहनत को खर्च कहाँ कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं मेहनत, तो मेहनत को लगाना कहाँ है, ये जरा थोड़ा अहम मसला है। अल्लाह जल्ला शान फरमाते हैं, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, कि जो कोई मेहनत करे, जाहदु मुजाहदा करे, जोहद करे, मेहनत करे, फीना, ऐसा प्यारा लफ्ज अल्लाह ने बोला है कि मेरे लिए, कि हमारी खातिर कोई भी शख्स कोई भी मेहनत करे, लَنَهْدِيَنَّهُمْ, तो जरूर भी जरूर हम सुबूलना उसके लिए रास्ते आसान करेंगे, हदायत लेना हदीबूला। तो ये अल्लाह की तरफ से एक इनाम है उन मेहनत करने वालों के लिए जो अल्लाह की खातर मेहनत करते हैं। अब ये नियत है इंसान के हाथ में है, नियत इंसान के अमल से भी बढ़ जाती है, कि जो भी अमल करे, जो भी मेहनत करे, मेहनत तो सारे लोग कर रहे हैं, तो उस मेहनत का रोक ये रखे कि अल्लाह के लिए मैं कर रहा हूँ। बड़ा ये थोड़ा मामूली फर्क है, मेहनत तो हर एक कर रहा है। अब देखो, एक आदमी दुकान पर मेहनत करता है, दुकान पर सुबह से रात वहाँ खूब मेहनत करता है कि आमदन बढ़ जाए। अब ये बड़ा एक मामूली सा फर्क है कि नीयत ये करे कि मैं अल्लाह के लिए, जो हमारे लिए करे। तो अगर कोई ये नियत करके दुकान पर जाए कि मैं अल्लाह की खातिर ये कर रहा हूँ मेहनत, तो वो दुकान उसको कहाँ ले जाएगी, और फिर वो दुकान में कैसे अल्लाह की नाफरमानी करेगा, सवाल ही पैदा होगा। कि वो तो दुकानदारी कर ही इसलिए रहा है कि अल्लाह पाक खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। तो इसलिए अल्लाह ने एहसान कर दिया कि वल्लज़ीना जाहदू फीना, कि जो भी कोई मेहनत हमारे लिए करे, तो मेहनत करने वालों को चाहिए कि मेहनत करें, लेकिन करें अल्लाह के, कोई और मकसद ना हो, मकसद बदल लें, अपना नियत करें, मकसद बदल लें, उसके बड़े फायदे होंगे। एक तो जब मकसद बदलेगा तो इंसान गुनाह से बचे, कि फिर नाफरमानी नहीं करेगा। अगर जिम्मेदार ने अपना मकसद बदल लिया कि मैं जिम्मेदारी इसलिए करता हूँ अल्लाह की खातिर, तो फिर जिम्मेदारी में खूब मेहनत भी खूब करेगा, हाँ जी, और उसमें गुनाह भी नहीं करेगा। अगर तालिब इल्म ने मकसद बदल लिया कि मैं पढ़ता हूँ, मेहनत करता हूँ अल्लाह की खातिर, तो भाई उसकी मेहनत कहाँ उसको दे देगा, मेहनत तो हर एक कर रहा है, और फिर उस मेहनत में वो गुनाहों से बचे। एक लतीफा है, लतीफा ही समझे, एक प्रोफेसर साहब थे टेक्सला यूनिवर्सिटी के, तो मैंने उनसे ऐसे ही बात की कि बच्चों में नेकी आ जाए, बच्चे अल्लाह के लिए सारे काम करने वाले बन जाएं, आपके तालिब इल्म सच्चे हो जाएं, सच्चाई उनमें आ जाए, उनमें दयानत आ जाए, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दो सिफात नबूवत से भी पहले थे कि आप सादिक और अमीन। तो मैंने कहा, प्रोफेसर साहब आप कुछ ऐसे करें, अपने बच्चों को समझाएं, बुझाएं, उनको तरगीब दें कि वो सच्चाई और दयानत सीखें। वो कहने लगे, मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा, क्या इसमें दिक्कत है? कहने लगे, ये सारे फेल हो जाएंगे।
सच्चाई और ध्यान तुमने है ही नहीं। ये हर असाइनमेंट तो कॉपी करते हैं, उस्ताद कहते हैं खुद बनाओ और ये किसी और की कॉपी बना के ले आते हैं और सच नहीं बोलते। तो ये दोनों चीजें अगर इनमें आए तो पास होते जा रहे हैं, अगर ये दो चीजें इनमें आ जाएंगी तो फेल हो जाए। सच बोलना पड़ेगा जी मैंने तो फलां फलां की कॉपी की है या फलां की नकल लगाई है तो फेल हो जाएगा। इतना मुश्किल हो चुका है, सच्चाई और दयानत जैसी दो आला सिफात हमारे तालबिलों में नहीं आ सकते। और यूरोप में मैं रहा हूं 5 साल, वहां के हर तालबिलों में है, और सच्चा भी होता है और दयानतदार भी होता है। मजाल है किसी की नकल लगाए, अपना अपना काम करते हैं सारे, और जितनी मर्जी गलत बात हो पसंद ना हो सच बोल देते हैं कि नहीं करूँ तो ये काम कर, मैं नहीं करूँ क्यों नहीं करूँ, तो मैंने कहीं जाना है। अब साफ सी बात, हमारे लोग तो सच बोलने से भी घबराते हैं डरते हैं। अच्छा यूरोप में भी है अफ्रीका में भी है कि जितने तालब इलम है हमारे तालब इलम में नहीं, ये अल्लाह की शान है, इसकी वजह अल्लाह को बोले, लेकिन इसातिज़ा कोशिश भी नहीं करते। कोशिश कैसे करें कि वो डरते हैं कि ये अगर इन्हें सच बोला तो फील हो जाए। तो मतलब अगर तालब इलम अपना अपनी मेहनत जो है वो अल्लाह के लिए करे, आप बताओ फिर वो नकल कैसे करे? नकल तो नहीं कर सकते, तो वो तो इसलिए कर रहा है, लिख रहा है, असाइनमेंट बना रहा है कि अल्लाह राजी हो जाए, तो अल्लाह तो राजी नहीं होता नकल करने से। तो ये बहुत बड़ा बड़ी तब्दीली है कि भाई हम अपने सारे काम अल्लाह की खातिर करें, ये तब्दीली लानी है अपने अंदर। तालिबे इल्म भी अगर ले आएंगे तो वो इलम के साथ साथ नेकी में भी आगे बढ़े और गुनाह से बचे। ताजर ले आएंगे तो उनकी तजारत होगी, यानी सच्चे ताजर बने, और सच्चा ताजर जो है उसका हशर अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ हो। कारखानेदार अगर अपना अपनी मेहनत को ले आएगा अल्लाह की खातर तो उसका कारखाना चमक जाएगा, उसमें दयानत से काम करेगा, उसमें अल्लाह का हुक्म नहीं टूटने देगा, उसमें किसी को भी अल्लाह का हुक्म तोड़ने देगा। तो अल्लाह की खातर करने वाले बन गए। अब ये जाते हैं बेचारे सिंध में कहाँ था कुछ काम कर रहे हैं, तो अगर ये अल्लाह की खातर नियत करें कि मैं तो अल्लाह के लिए, अल्लाह का हुक्म है कि भाई रोजी कमाओ, ये भी तो एक हुक्म है ना, तो इसमें भी नियत हो सकती, उस परवरदिगार के हुक्म की वजह से मैं जाता हूँ, तो इनका जाना वहाँ रहना ये इनके इनके लिए हदायत का जरिए बन गया। तो मतलब हम हदायत की राहें खोल देते हैं जो हमारे लिए मेहनत करते हैं। तो ये तो हर कोई कर सकता है, घरों में मस्तूरात कर सकते, रोटी तो पकाती है सालन पकाते हैं, तो उसमें अगर नियत बदले कि अल्लाह के लिए मैं बच्चे हैं अपना काम है तो मैं इसलिए मेहनत करती हूँ, सफाई करती हूँ, खाना पकाती हूँ कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, तो वो खातून कहाँ उसका दर्जा मुकाम कहाँ जा पहुँचे। तो इसको इसकी मशक करना और इसकी मशक पर दूसरों को भी लाना, कभी तो सारे काम अल्लाह के लिए करो, सारे काम अल्लाह के लिए करो, और जो वही करेगा जिसको अल्लाह याद है इसके लिए ये हमारा फिर ये जिक्र मुराकबा है, ये दिल का जिक्र है कि दिल में अल्लाह रहे हर वक्त। तो अगर दिल में हर वक्त अल्लाह की याद रहेगी तो फिर हर काम में इंसान सोचेगा कि ये अल्लाह के लिए मैं कर रहा हूँ, और अगर गफलत होगी सबसे बड़ा गुनाह गफलत है, सबसे बड़ा। अगर गाफिल ही होगा तो फिर कैसे अल्लाह के लिए करेगा? तो गफलत से वो बचेगा जिसने अपने दिल को संवार लिया, जिसने अपने दिल को सुथरा कर लिया। सुथरा करने से क्या मुराद कि भाई उसमें अल्लाह को ले आया अपने दिल में मेहनत करके, तो वो गफलत से भी बच जाएगा, उसकी उसको हर वक्त अल्लाह की याद रहेगी, तो अपने हर काम में फिर वो इंसान हर बेहतर से बेहतर की कोशिश करता है। तो जिसको अल्लाह याद आता रहेगा
वो अपने हर काम को अल्लाह के लिए करे, और जो वाफिल है वो तो उसने क्या करना है, क्या करना, क्योंकि गुनाह पे गुनाह करता जाएगा उसको पता ही नहीं होगा कैसे अल्लाह नाराज हो रहे। तो इसलिए भाई हम ऐसी कोशिश मेहनत करें कि हम सारे काम अल्लाह के लिए करने वाले, जो भी कर रहे हैं, जो मेहनत भी कर रहे हैं। वालद अपने बेटे की तरबियत करता है, उसका शफकत करता है, उसके लिए रोजी रिजक का जरिए बनता है, तो वो अल्लाह की खातिर करे, इसलिए ना करे कि ये बड़ा होकर अपने मुझे खिलाएगा, ये भी नियत है, लेकिन ये गलत है कि मैं आज इसको खिलाता पिलाता हूँ, जब ये मेरा बेटा बड़ा होगा फिर ये मुझे खिलाएगा, क्या फायदा, उसने एक ही जाहिर करी, इसलिए करे, बच्चों पर शफकत करे, खिलाए पिलाए के अल्लाह का हुक्म है, औलाद की परवरिश करो, अच्छे तरीके से करो, अच्छा नाम रखो, अच्छी आदतें सिखाओ। और जो औलाद है वो भी अपने वालदैन की खिदमत इसलिए करे कि ये अल्लाह का हुक्म, इसलिए ना करे कि ये मुझे साइकिल ले दे, मोटरसाइकिल ले दे, तो खूब खिदमत कर रहे। और जब बाप परेशान होता है कि क्या बात है आजकल बड़े पाँव दबा ले, तो फिर कहते हैं मोटरसाइकिल सब अल्लाह की खातिर, बेटा बाप की खिदमत अल्लाह के लिए करे, और बाप बेटों की परवरिश अल्लाह के लिए करे, बीवी खावन की खिदमत अल्लाह की खातिर करे, वो खावन शफकत करे तो अल्लाह की खातिर, तो अल्लाह के लिए हम सारे काम करने वाले हो जाए, ताकि इस आयत करीमा में हमें हिस्सा मिले। وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, तो हम खोल देंगे हिदायत की राहें उसके लिए, अल्लाह फरमाते हैं या आसान कर दें, सुबल कर दें आसान रास्ते, तो अल्लाह जल्ला शानहू हमें इसके लिए, लेकिन इसके लिए फिर अर्ज करता हूँ, इसके लिए ज़रूरी है कि दिल सुथरा हो, तो दिल में अल्लाह की याद रहे हर वक्त, तो फिर इंसान कर सकेगा, गाफिल नहीं कर सकता, गाफिल नहीं कर सकता, गुनाहों का जरिया भी गफलत ही बनती है, ये भी याद रखें, तो गफलत से बचने के लिए ये हमारा जिक्र है, ये बहुत जरूरी है, इसमें इंसान कोशिश करता रहे करता रहे करता रहे। तो थोड़ी देर के लिए अपने दिल की तरफ ध्यान रखें और कोशिश करें कि सोचें कि दिल में अल्लाह आ जाए, अल्लाह की रहमत मेरे दिल पर बरस रही है और मेरा दिल उसको जज्ब कर रहा है, इस नीयत के साथ बैठें और अल्लाह की रहमत को जज़्ब करें अपने दिल में, उस रहमत से फिर ये होगा कि आस्ता आस्ता दिल सुथरा होना शुरू होगा, उसमें अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी, और मोहब्बत जिससे होती है ना वो फिर नहीं भूलता, फिर उसकी याद दिल से निकलती नहीं, तो अल्लाह से मोहब्बत सीखने की नीयत से, अल्लाह की तरफ से जो नूर जो सकीना, हर कोई जो कोई भी अल्लाह की को याद करता है तो सकीना उस पर अल्लाह पर नाजिल करते हैं और रहमत नाजिल करते हैं, तो ये पक्की बात है अगर हम अल्लाह की याद में बैठे हैं तो अल्लाह की रहमत एक नूर की शक्ल में हमारे दिल पर बरस रही, बस उसको अपने दिल में जज़्ब करना है, उसको लेना है दिल में, ताकि हमारा दिल सुथरा हो जाए।